हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पफ स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये बॉर्डर है जो मैं स्लीव्स के नीचे अटैच करूंगी, मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। सबसे पहले इसकी कटिंग जो है मैं न्यूज़पेपर पे करूंगी ताकि जो परफेक्ट स्लीव्स है हमारी वो बन पाए। तो सबसे पहले हमें पेपर पे इसकी कटिंग करनी है। ये से स्लीव्स जो है वो मैं एल्बो तक बना रही हूँ। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट लीजिएगा। आप इसे छोटी स्लीव्स में भी बना सकते हैं और बड़ी स्लीव्स में भी बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 10 इंच इसकी लंबाई तैयार रखूँगी, तो मैंने 11 इंच पर एक मार्किंग यहाँ पर कर लिया है। लंबाई ली है मैंने 11 इंच और 7.5 इंच लिया है आर्म होल, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 3 इंच पर मैंने इसे डाउन किया है। इसके बाद स्लीव्स का शेप दे देंगे। नीचे से बॉटम का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। बॉटम का मेज़रमेंट है यहाँ पर 11 इंच है, उसका आधा लिया है मैंने 5.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए हमने मार्किंग करनी है और स्लीव्स का पैटर्न कटिंग कर लेना है। स्लीव्स का पैटर्न कट करके गहराई वाला पार्ट भी हमें पेपर पे कटिंग कर लेना है। और देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स का पैटर्न पेपर पे कटिंग कर लिया है। अब हमें बॉर्डर का नाप लेना है। तो जितना भी आपका बॉर्डर होता है उसमें से आप 1 इंच कम करके पेपर पे कटिंग कीजिएगा। जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में ये बॉर्डर जो आ रहा है वो 4.5 इंच आ रहा है। इसका जो मेज़रमेंट है नीचे किनारी वाला पार्ट है तो वो मैंने मेज़र नहीं किया है। 4.5 इंच में से 3.5 इंच पे मैं यहाँ पर इतना पार्ट कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पार्ट जो है वो पेपर पे लाइन ड्रॉ करके इसे कटिंग कर देना है। ये पार्ट हम नीचे अलग से जॉइंट करेंगे, तो इतना पार्ट हमें कट कर लेना है। इस पार्ट को हमें कट करके अलग निकाल देना है, ये देखिए। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमें स्टिचिंग करने में यूज़ आएगा, तो नीचे वाले पार्ट का कोई काम नहीं है। अब हमें फैब्रिक लेना है, फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करनी है। कपड़ा आप इतना लीजिएगा कि जैसे हमने यहाँ पर जो स्लीव्स कटिंग करी है इसका डबल आपको कपड़ा लेना है, क्योंकि इसमें प्लिट्स बनती हैं तो फैब्रिक हमें ज़्यादा चाहिए। जितना आपका पेपर का पैटर्न है उससे आपको डबल करके कपड़ा लेना है। सेंटर में कपड़े के एक मार्किंग कर देनी है, जो कपड़े का सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पर देखिए मैंने क्रीज बनाई हुई है और यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो नीचे बॉटम की तरफ हमें मार्क करना है 2 इंच पे। 2-2 इंच पे हमने सेंटर से इस तरीके से मार्किंग करनी है। टोटल 5 मार्किंग हमें यहाँ पर करनी है। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है और सेंटर से फिर हमें दूसरी तरफ मार्क करना है। तो यहाँ से भी 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी 5 मार्किंग करनी है। 5 मार्किंग इस तरफ और 5 मार्किंग दूसरी तरफ। अब देखिए, एक एक मार्किंग को उठाते हुए हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है इस तरीके से। मार्किंग के यहाँ से आपको प्लेट्स बनानी है और आप चाहें तो यहाँ पर पिन के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। डायरेक्ट आप हाथ से इस तरीके से पकड़ते हुए प्लेट्स को सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल 5 मार्किंग है हमने यहाँ पर की हुई है। 5ों मार्किंग को इस तरीके से मिलाते हुए प्लेट्स बनानी है। एक के ऊपर एक रखना है प्लेट्स को आपको, और इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर सभी प्लेट्स नीचे की तरफ से जमा ली है और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई लगाकर प्लेट्स को पक्का कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ से भी प्लेट्स को जमाते हुए सिलाई लगानी है। तो ये प्लेट्स आपको ये जो भी हमने प्लेट्स बनाई है इसके ऊपर नहीं रखना है, इसके पास में आएंगी ये। तो दूसरी तरफ से भी प्लेट्स को बराबर से जमाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से भी प्लेट्स को जमाते हुए मैंने सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब हमने ऊपर की तरफ से प्लेट्स को जमाते हुए सिलाई लगानी है।
ऊपर वाली प्लेट्स लगाने के लिए सेंटर में मार्किंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स को लगाएंगे। बराबर से रखते हुए प्लेट्स को जमाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक तरफ से मैंने लगा लिया है, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से प्लेट्स लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी मैंने प्लेट्स लगा दी है। अब हमने जो पेपर पे कटिंग किया था स्लीव्स का, वो स्लीव्स यहाँ पर रखेंगे सेंटर से। इसमें भी आप एक सेंटर मार्क कर सकते हैं और इसके ऊपर रखते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। और अब हमने पेपर के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है, इससे परफेक्ट स्लीव्स का शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बड़े टाके से यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद एग्जैक्ट इसे पेपर के बराबर से कटिंग कर लेना है। पेपर के बराबर मैंने स्लीव्स को कट कर दिया है। अब आसानी से ये पेपर जो है आपका वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप पेपर को निकाल लें। इसके बाद हमने इसका बॉर्डर अटैच कर लेना है नीचे की तरफ। इसमें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसमें आप अस्तर कैसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने पेपर को अच्छे से निकाल दिया है। अब हमने लेना है बॉर्डर। बॉर्डर का मैंने नीचे से किनारी वाला जो पार्ट है वो अलग कट कर दिया है। इसके बाद हमने नीचे की तरफ रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा जो साइड में बॉर्डर है इसे हमने कट करके निकाल देना है। इसके बराबर एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ भी लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है और इसके बाद हमने अस्तर लेना है। अस्तर को नीचे की तरफ रख लेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा कर इसे अटैच कर देंगे। पलट के हमने इसे सीधा कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। अब एक सिलाई हमने बाहर की तरफ से भी लगा देनी है इस पर। बराबर से रखते हुए देखिए मैंने यहाँ पर इस जो अस्तर है वो अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसे मेन कपड़े के बराबर से कर लेंगे इस तरीके से। तो ये बाहर से भी फिनिशिंग के साथ दिखेगी स्लीव्स आपकी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।